जाती हैं तो मैं मोदी आपको जी क्यों कब तो बोलते रहते प्रधानमंत्री हैं बोल रहे कि हैं, सरकारी सूरत में पैसे दे युवाओं से 1100 बात कर रहे हैं, 1400 संबोधन रुपए कर रहे हैं, सरकार आइए का सुनते प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है, सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती थी, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली, हेडलाइन बदली कि नहीं बदली। वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग। एक छोटा उदाहरण देता है, 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना, मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई, और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही, उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है, कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है।